हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंटी नेट क्लासेस। कैसे हो फ्रेंड्स आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। क्योंकि फ्रेंड्स पता क्या है, अब एंटी नेट के लिए जो है वो बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। हार्डली 40 to 50 days जो है वो एंटी नेट के एग्ज़ाम के लिए हमारे पास बचे हुए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमर्स के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि दिसंबर 2019 में एक्सपेक्टेड होंगे या फर्दर भी आप इनके इनसे हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स आइए, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है डंपिंग। तो आप सब में से कुछ लोगों ने डंपिंग के बारे में पढ़ रखा होगा, सुना होगा। वैसे तो ये प्लस वन का एक टॉपिक है, प्लस वन में हमने इसको पढ़ रखा हुआ है, बट फिर भी नेट में जो है वो ये आता है टॉपिक। ठीक है, तो इस बार जो है वो जून 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था इस बार उसमें ये वाला टॉपिक आया हुआ था डंपिंग, इसमें से एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं जल्दी से। ठीक है, सो व्हाट इज़ डंपिंग? सो डंपिंग इज़ कंसिडर्ड एज अ फॉर्म ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का ये एक फॉर्म है। इट ऑकर्स व्हेन अ मैन्युफैक्चरर लोअर्स द प्राइसेस ऑफ एन आइटम एंटरिंग अ फॉरेन मार्केट टू अ लेवल दैट इज लेस देन द प्राइस पेड बाय डोमेस्टिक कस्टमर्स इन द ओरिजिनेटिंग कंट्री। मीन्स ये जो है वो तब यूज किया जाता है डंपिंग, जब एक मैन्युफैक्चरर जो है वो फॉरेन मार्केट में एंटर करता है और अपने प्राइसेस को जो है वो लोअर लेवल पे ले जाता है जो कि उसकी ओरिजिनेटिंग कंट्री से भी लो होता है प्राइस। द प्राइस इज कंसिडर्ड इंटेंशनल विद द गोल ऑफ बीइंग ऑब्टेनिंग अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज द इम्पोर्टिंग मार्केट। तो फ्रेंड्स मैं इसको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ, इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो डंपिंग क्या है? बेसिकली डंपिंग जो है वो उसमें क्या किया जाता है कि एक जो फर्म होगी जो फॉरेन में एंटर करेगी, तो फॉरेन में एंटर करते टाइम वो अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो बल्क में वहाँ पर डंप कर देगी। ठीक है, तो बल्क में वहाँ पर डंप करेगी और उसके प्राइसेस जो है वो अपनी डोमेस्टिक मार्केट से भी लो रखेगी। कई बार तो कंपनियाँ जो है वो अपने प्राइसेस को इतने लो प्राइसेस पे बेचती हैं अपने प्रोडक्ट को कि उनकी वहाँ पर डोमेस्टिक कंट्री में उतनी मतलब उस प्राइस की कॉस्ट भी नहीं होती है, उस कॉस्ट से भी कम प्राइस पर उसको बेचा जाता है। कई बार कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्ट को है वो उसे लॉस पर भी बेच देती हैं। तो इसका मतलब डंपिंग करने का क्या रीज़न है, क्यों डंपिंग की जाती है? बेसिकली इसका मेन मोटिव होता है कंपटीशन को लेस करना, रिमूव करना। देखिए जैसे एक इंडियन कंपनी है और एक दूसरी कंट्री है चाइना। ठीक है, तो चाइना क्या करेगा कि अपने प्रोडक्ट्स, मान लीजिए मोबाइल फ़ोन्स की बात करते हैं, तो चाइना इंडिया में अपने मोबाइल फ़ोन्स को बल्क में यहाँ पर डंप कर देगा और उसकी प्राइस जो है बहुत ही लो कॉस्ट पे यहाँ पे वो जो है वो अपने फ़ोन्स को सेल करेगा। उससे होगा ये कि इंडिया के जो डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर हैं वो उस लो प्राइस पर नहीं बेच पाएंगे क्योंकि उनकी उतनी कॉस्ट ही नहीं पड़ती है, तो उस कॉस्ट से कम प्राइस पर वो नहीं बेच सकते। ठीक है, तो वो कंपनी क्या करेगी, यहाँ पे लो प्राइस पे बेचने की वजह से क्या हुआ कि उनके जो मीन्स यहाँ पे जो है वो उनका कंपटीशन जो है वो एकदम से रिमूव हो गया। ठीक है, तो अब वो धीरे धीरे क्या करेंगी कि उसके प्राइसेस जो प्रोडक्ट के प्राइसेस उनको इंक्रीज़ करना शुरू करेंगी और जो उन्होंने लॉस बियर किया है उसको भी रिकवर कर लेंगी एंड प्रॉफिट भी अर्न करेंगी। ठीक है, तो डंपिंग का बेसिकली यही फंडा रहता है। ठीक है, सो डंपिंग ऑकर्स व्हेन अ कंट्री और कंपनी एक्सपोर्ट्स अ प्रोडक्ट एट अ प्राइस दैट इज लोअर इन द फॉरेन इंपोर्टिंग मार्केट देन द प्राइस इन द एक्सपोर्टर्स डोमेस्टिक मार्केट। मीन्स एक्सपोर्टर की डोमेस्टिक मार्केट से भी कम प्राइस पर फॉरेन में प्रोडक्ट्स को बेचना, इसी को ही डंपिंग कहते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया है, और अगर आपको समझ में आया है तो फ्रेंड्स ये एक MCQ दिया गया है यहाँ पे, प्लीज़ इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, और मैं भी आपको कमेंट में बताऊंगी कि व्हाट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इससे आपको चेक हो जाएगा कि आपको कितनी समझ आई है इस टॉपिक की। देखिए बेसिकली मेरा मेन मोटिव यही है कि यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट को
जो है वो डिस्कस करें, ताकि एग्ज़ाम में फिर किसी भी टाइप का जैसे भी क्वेश्चन आ जाए हमें कोई दिक्कत ना हो, हम उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाएँ एंड वो सही भी हो, ठीक है। तो अगर फ्रेंड्स मेरे टॉपिक ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो डंपिंग के ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर हम बनाएंगे, और डंपिंग के 3 टाइप्स हैं वो डिस्कस कर लेंगे, एंड एंटी डंपिंग मेजर्स जो हैं वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में, आने वाली वीडियोस जो होंगी उनमें हम डिस्कस करते हैं। तो तब तक फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो को मैं यहाँ पे अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।